नमस्कार, मैं रश्मि, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। बड़ौदा क्षेत्र में खाद की भारी किल्लत बनी हुई है। सोमवार को खाद के लिए किसानों ने भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीना मंडूला के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी बड़ौदा के सामने 12 श्योपुर इंटरस्टेट हाईवे पर सुबह 8:30 बजे से चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। तब जाकर मौके पर पहुंचे प्रशासन ने बड़ौदा कृषि उपज मंडी में स्थित वेयर हाउस पर अलग अलग काउंटर बनाकर खाद वितरण के लिए टोकन बंटवाकर किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था करवाई। किसान नेता राधेश्याम मीना मंजूला ने बताया कि किसान सुबह 3 बजे से ही भारी संख्या में कृषि उपज मंडी बड़ौदा में स्थित है वेयर हाउस पर एकत्रित हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी खाद लेने के लिए मौजूद थी। क्या समस्या है भाई साहब किसानों की? यहाँ पर श्योपुर जिले के बड़ौदा क्षेत्र के किसान हजारों की संख्या में खाद के लिए कल सायं से यहाँ पर कृषि उपज मंडी बड़ौदा वेयर हाउस पर बैठे हुए हैं लाइन लगाकर। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है, इसलिए हमको मजबूरन 12 श्योपुर इंटरस्टेट हाईवे पर चक्का जाम लगाकर किसानों के साथ बैठना पड़ रहा है। जब तक किसानों को खाद का वितरण नहीं किया जाएगा, किसानों को खाद नहीं मिलेगा, तब तक किसान यहाँ पर सड़क जाम करके रोड जाम करके बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। सर मेरा कहना ये था कि शिवराज सिंह चौहान या राधेश्याम भाई साहब चालू करवा जाएगा और राधेश्याम भाई साहब जब शिवराज सिंह चौहान किसान हित से बताते हैं अपने आप को, किसान परेशान है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? कहाँ चाहिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावे बिल्कुल खोखले हैं, वो झूठे दावे कर रहे हैं। खाद की कहीं कमी नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है किसानों को खाद उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, इसलिए किसान न अपने गेहूं की उड़ाई कर पा रहा है, न सरसों में खाद डाल पा रहा है, जिसके कारण उसके सरसों की फसल भी नष्ट होने के कगार पर है। सरकार और प्रशासन के दावे पूर्ण खोखले हैं। अगर खाद होता तो किसानों को यहाँ पर सड़क पर नहीं बैठना पड़ता।